केसर माँ? कैसे है वो केसर माँ? वो ठीक तो है ना? आपने अंदर जाना झूठी वाल को नहीं, आपने जाना जो मैंने पूरे महीने हर रोज थोड़ा थोड़ा देखा है, आप अचानक कैसे देख पाओगे? नहीं जाना अंदर, अंदर नहीं जाना, अब नहीं देख पाओगे उर्सा को, नहीं देख पाओगे। मुझे हालांकि कोई गलती नहीं की शिवांगी, इस आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ये वो डायन है जो वीरसा की उम्र भी चुरा रही है और ताकत भी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते का वक्त है। तो फिर कुछ करो जय, कुछ करो, जो पूजा करनी है जो उपाय करना है करो, लेकिन प्लीज प्लीज इनको बचा लो जय, प्लीज इनको बचा लो। जरूर बचा लूंगा, लेकिन उसके लिए इन्हें यहां से घर ले जाना होगा। अजीब बात है, तुम्हारे पति है, तुम्हारा फैसला है, तुम उनका इलाज यहां कराओ या किसी और जगह, ये डॉक्टर कौन होते हैं मना करने वाले? हमने भी उनसे यही कहा, पर डॉक्टर ने कहा कि वो उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ भी हुआ तो पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, और यही बात मुझे उनको लिख के भी देनी होगी। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत आज नहीं है, लेकिन कल तो खड़ी हो सकती है। भगवान ना करे अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरे ससुराल वाले तो मुझे ही कसूरवार समझेंगे ना। एक रास्ता है, अच्छी और बुरी आत्मा में यही फर्क होता है। बुरी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी शारीरिक सुख के बारे में सोचना बंद नहीं करती, खास करके जीभ के स्वाद को। इसलिए दुष्ट आत्माओं को आकर्षित करने के लिए कभी कभी शराब और मांस का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसेस वियर, वी आर एजुकेटेड पीपल लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एंड मेडिकल रेवोल्यूशन। आई एम शॉक्ड दैट यू स्टिल बिलीव इन ब्लैक मैजिक। What you're suggesting is, quite frankly, not only nonsensical, it's ridiculous. Please, Doctor, please. You promised me 5 minutes. 5 minutes is all I'm asking you for. Please, Doctor. If you insist. What is in that piece of cloth? You will find out, Doctor. Please, be patient. अब इनसे कहो हमारे साथ कुवरसा के कमरे में चले, वहां जो होगा उसे देख के इन्हें मेरी बात पे यकीन हो जाएगा।
शिवांगी तुम आंसू पोंछ लो शिवांगी, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा तुम्हारे वीरसा को। क्या मैं उन तस्वीरों को देख सकता हूं? अगर ये सब तुम्हारे ससुराल वालों ने किया है तो सिर्फ मंत्र के बल पे तो नहीं कर पाए होंगे। कोई जरिया, कोई तरीका जरूर ढूंढना होगा उन्होंने इस बुराई को यहां तक पहुंचाने के लिए। ठीक से याद करो, कोई खाने पीने की चीज आई थी वहां से? या तो किसी ने उनका भेजा हुआ प्रसाद, नारियल, फूल, कोई ऐसी चीज ला के दियो जो अभी तक तुमने घर में रखी है? नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। कैसे हो सकता है बिना किसी जरिए के हजारों कोस दूर से? नहीं, कुछ तो ऐसा जरूर है जो तुम्हें याद नहीं आ रहा। वैसे कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान से किसी ने एक तोहफा जरूर भेजा था। तोहफा? कौन सा तोहफा, किसने, कब भेजा था? अभी कुछ ही दिन पहले डाक से एक लॉकेट आया था। लॉकेट? सबसे पहले तो जो हो चुका है उसे बेअसर करना होगा। यहाँ कोई नदी या नहर तो होगी? हाँ, 3 कोस दूर थेम्स नदी है। तो अब हमें रात होने का इंतजार।